वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास वन. एंड टुडे वी कंटिन्यू चैप्टर 6 एडिशन ऑफ नंबर्स. एंड टुडे वी डू एक्सरसाइज 6.4 पेज नंबर 50. नाउ सी, दिस इज योर मैथ्स बुक मैथ्स ऑफ क्लास वन. नाउ ओपन एक्सरसाइज 6.4. सी हियर, दिस इज द एक्सरसाइज 6.4 एंड पेज नंबर 50. सो नाउ वी एड द फॉलोइंग दीज नंबर्स. देखिए यहाँ पे ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें ऐड करना है. तो देखिए हम इनको किस तरह से ऐड करेंगे. हम इन्हें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखकर फिर प्लस करेंगे. तो देखिए किस तरह से करेंगे. ये है 21. तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, 21 को हम एक्सपांड करेंगे, यानी 20+1 इस तरह से कर लेंगे हम. मैंने इनको अलग अलग करके कर लिया. 21 को हमने 20+1 ये एक्सपांड कर दिया. अब देखो ये प्लस है, इसे हम यहाँ प्लस कर देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे. अब ये 35 है, इसे भी हम अलग अलग करके लिखेंगे, 30+5. इस तरह से हमने इसको लिख लिया. अब यहाँ इसको लगाएंगे हम. अब बच्चों हम क्या करेंगे, 20 को और 30 को हम एक साथ प्लस करेंगे और 1 और 5 को एक साथ. ओके, माने 20 और 30 ये टू नंबर्स हम यहाँ लिखेंगे, 20+30 और प्लस 1 और 5 को हम यहाँ लिखेंगे 1+5. देखो इस तरह से हमने लिख दिया. अब एक को लगा देंगे यहाँ फिर से हम. अब इसके बाद देखो 20 और 30 कितने होते हैं, 20 में 30 प्लस कर दो, 20 10 20 30 30 हो गए. तो 20 के बाद 30 40 50, तो यहाँ आ जाएगा 50+1 और 5 6. ये हो गया 50+6. अब 50+6 जब हम करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 56. ये हमारा आंसर आ गया. तो ये इसी तरह से हमें ये करने हैं. देखिए फिर से किस तरह से करेंगे. पहले ये 52 को पहले से ब्रैकेट लगा लो. ओके, फिर प्लस. अब ये भी देखो ऐसे हम ब्रैकेट लगा लेंगे. ठीक है बच्चों, अब 52 को हम यहाँ अलग अलग करके लिखेंगे, 50+2. अब 43 को हम इसके अंदर लिखेंगे, 40+3. इस तरह से कर दिया. अब फिर एक को लगा देंगे हम. अब फिर देखो दो ब्रैकेट लगाएंगे हम इस तरह से, प्लस ऐसे लगा दिया. अब इसके अंदर हम 50 और 40 इन दोनों को लिखेंगे हम. यहाँ लिखेंगे 50+40. अब 2 और 3 इसे हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे, 2+3. अब नीचे फिर इक्वल के नीचे इक्वल. अब देखो 50+40 कितने हो गए, 90. तो यहाँ लिखेंगे 90+2 और 3 5. फिर इक्वल. अब 90+5 कितने हो जाएंगे, 95. ये हमारा आंसर आ गया. समझ में आ रहा है बच्चों किस तरह से करना है. इसी तरह से ये हाथ हैं, ये हमें कंप्लीट करने हैं. चलिए और देखिए. सबसे पहले आप दो ब्रैकेट बनाओगे. देखो एक यहाँ, ये एक बन गया, फिर प्लस, फिर ऐसे दो ब्रैकेट. ये दो ब्रैकेट बना दिए. अब इस नंबर पे आ जाओ, 84. तो हम लिखते हैं 80+4. 80+4 ये हो गया. अब 13 यहाँ पर लिखेंगे. तो 13 कैसे बनेगा, इसको एक्सपांड कैसे करेंगे, 10+3. फिर इक्वल लगाएंगे. फिर से हम दो ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों, प्लस ऐसे.
अब हम क्या करेंगे, 80 और 10 को हम एक साथ लेंगे, 80 प्लस 10, अब ये 4 प्लस 3, इसको लगा देंगे, 80 और 10 कितने हो गए, 90 प्लस 4 एंड 3, 7, फिर एक बार, अब 90 प्लस 7 कितने हो गए, 97, दिस इज द आंसर, ओके। इस तरह से ये आपके 4, 5, 6, 7 आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलो मैं एक और बता देती हूँ जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, जिससे आप अपने आप कर सकते हो। चलिए देखो, बहुत इजी है बच्चों, आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम 2 ब्रैकेट्स बनाए, एक ब्रैकेट हो गया प्लस, ये वाला प्लस हो गया, फिर एक ब्रैकेट ऐसे, ओके। अब 56 को हम 50 प्लस 6 अलग अलग लिखेंगे, 50 प्लस 6, 10 यहाँ पे 10 प्लस 0, कुछ नहीं लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे प्लस। तो अब हम 50 और 10 इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे यहाँ पर, 50 प्लस 10, आप दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 6 प्लस 0, इक्वल के नीचे इक्वल। अब 50 और 10 कितने हो गए, 60 प्लस 6 प्लस 0, 6, तो 60 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 66, दिस इज द आंसर। अब तो बच्चों ये 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 5, 6, 7, ये आप कर सकते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा, तो ये आप अपने आप करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।